बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 के लेक्चर्स की सीरीज़ जो कि हम कवर कर रहे थे, आज हम लेक्चर नंबर 50 कवर करेंगे। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर मैं आपको बताता चलूं कि आप पूरे लेक्चर्स जो हैं इनकी सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, जो कि हम ऑनलाइन पेट्रोल ऑफिसर का कम्प्लीट कोर्स करवा रहे हैं थ्रू आवर वेबसाइट, और नंबर भी गिवन है व्हाट्सएप। और लेक्चर नंबर 50 में हम सेक्शन 78 से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 78 जो है इसका टाइटल है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द प्रोहिबिटेड अप्लायंसेस। जो प्रोहिबिटेड अप्लायंसेस हैं, जो ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको अगर ऑफेंड किया जाए यानी कि उनको फॉलो ना किया जाए तो क्या पनिशमेंट हो सकती है। Whoever carries a road vehicle on national highway, any appliance that carrying of which is prohibited, कोई ऐसी चीज़ लेके जाना जो कि कानूनन जुर्म है, by rules made there under section 64 में जो चीज़ें बताई गई हैं, shall be punished with fine, तो उसको जुर्माना होगा, which shall not be less than 500 rupees, जो कि 500 से कम नहीं होगा, एंड मे एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़, और ये जुर्माना बढ़ाया भी जा सकता है 500 से लेके 1000 तक, एंड सच अप्लायंसेस शैल बी फॉरफिटेड टू द गवर्नमेंट, और इस तरह के अप्लायंसेस को गवर्नमेंट जो है वो फॉरफिट कर लेगी यानी कि उन पे कब्ज़ा कर लेगी और उनको अपने पास रख लेगी। सेक्शन नंबर 79 है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स, कि जो ट्रैफिक की सेफ्टी के कवानीन हैं, जो प्रॉपर डिस्टेंस रखना रोड के ऊपर, प्रॉपर लेन में चलना, ये सारी जो सेफ्टी के मेजर्स होते हैं, अगर उनको वायलेट किया जाए तो उस पर क्या पनिशमेंट है। नो पर्सन शैल ड्राइव ए रोड व्हीकल ऑन नेशनल हाईवे इन कंट्रावेंशन ऑफ द रूल लेड डाउन इन द 8th स्केड्यूल और एज लेड डाउन इन बाय द गवर्नमेंट। तो सेक्शन जो ये मेन हमें इसमें बताया गया है कि आपने प्रॉपर जो किट है, सेफ्टी किट है, उसको यूज़ करना है। लेट्स सपोज आप मोटरसाइकिल पे हैं तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए, और बाकी जो गाड़ी है उसकी भी जो सेफ्टी मेजर्स हैं, अगर लेट्स सपोज बड़ी गाड़ी है तो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए और सीट बेल्ट होना चाहिए, वो अगर आपने प्रॉपर अप्लाई नहीं किया हुआ तो जिनकी डिटेल जो है 8th स्केड्यूल ऑफ दिस ऑर्डिनेंस दी गई है या बाकी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन देती है, उनको अगर फॉलो ना किया जाए। Whoever drives a road vehicle on a national highway in contravention of the provisions of the 10th schedule या फिर 10वें schedule जो इस ऑर्डिनेंस का है, shall be liable to punishment as specified in the said schedule। तो इस schedule में जो सजाएँ दी गई हैं यानी कि 10वें schedule के मुताबिक उसको punishment होगी। Any person who drives or operates a vehicle in the contravention of subsection 1, जो subsection 1 में हमने safety के measures की बात की थी, अगर उनको violate किया जाता है, and the provisions of the 12th schedule shall be punishable with the सच फाइन एज लेड डाउन इन द सेड स्केड्यूल। तो जो 12th स्केड्यूल है उसमें भी कुछ सज़ाएँ बताई गई हैं, तो उस स्केड्यूल के मुताबिक सज़ाएँ उनको दी जाएंगी। सब सेक्शन 4 है, द गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द नेशनल हाईवे एंड पाकिस्तान मोटरवे पुलिस बाई नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट अमेंड द प्रोविजन ऑफ द 12th स्केड्यूल सो एज टू एड एनी एंट्री देयर टू और मॉडिफाई एनी एंट्री देयर इन, कि जो 12वां स्केड्यूल है उसमें अगर कोई चेंज करना चाहें, ऐड करना चाहें, तो गवर्नमेंट जो है वो उसमें एडिशन डिलीशन विद दी कंसल्टेशन ऑफ नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस के साथ कर सकती है, या जो पहले ऑलरेडी कानून मौजूद हैं, रूल्स मौजूद हैं, उनमें कोई अमेंडमेंट करनी हो या मॉडिफिकेशन करनी हो तो भी की जा सकती है। सब सेक्शन 5 है, ए पुलिस ऑफिसर इन यूनिफॉर्म और एनी अदर पर्सन सो ऑथोराइज बाई द गवर्नमेंट एक्टिंग अंडर सब सेक्शन 2 and 3 शैल ड्रा अप ए चार्ज शीट इन क्वाड्रुप्लिकेट स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ फाइन देयर इन। और जो पुलिस ऑफिसर है या कोई एक डेजिग्नेटेड पर्सन है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको पावर दी गई है कि वो चेक कर सकता है, रोक सकता है, पूछ सकता है, तो अगर वो इस तरह की वायलेशन देखता है जो 2 और 3 सेक्शन सब सेक्शन में हमने देखी, तो वो चार्ज शीट एक रेज करेगा जो कि 4 कापियों में यानी कि उसमें कार्बन पेपर यूज़ किया जा सकता है, तो 4 कापियों में वो रेज करेगा और उस पर डिटेल लिखेगा कि इसने कौन सी वायलेशन की है, और उसकी डिटेल फर्दर जो है फोर्थ विद डिलीवर 1 कापी देयर ऑफ
टू दी ऑफेंडर, जिसने जुर्म किया ड्राइवर को एक कॉपी दे देगा उसकी, एंड ऑब्टेन हिज सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन और मार्क, तो उस पे वो या तो उसका अंगूठा लगवा लेगा, साइन ले लेगा एज द केस मे बी, एज टोकन ऑफ द रिसीट वेयर एवर पॉसिबल। तो इसलिए साइन करवाए जाते हैं ताकि इसकी कंफर्मेशन हो जाए कि इस बंदे ने इसकी कॉपी ओरिजिनल रिसीव कर ली है। विद इन 24 आवर्स फॉरवर्ड द सेकेंड कापी ऑफ द चार्ज शीट टू द प्रिस्क्राइब्ड एजेंसी वेयर द ऑफेंडर हैज़ डिपॉजिटेड द फाइन। तो दूसरी कापी जो है वो विद इन 24 आवर उस जगह पर भेज देगा जहाँ पर उसने फीस जमा करवानी है बैंक वगैरह में। फर्दर पॉइंट सी है, विद इन 24 आवर्स फॉरवर्ड द थर्ड कापी ऑफ द चार्ज शीट टू द सेंट्रल अकाउंटिंग ऑफिस, सेंट्रल अकाउंटिंग ऑफिस को भी तीसरी कापी भेज देगा। और डी जो है रिटेन द फोर्थ कापी फॉर रिकॉर्ड, और चौथी कापी जो है वो अपने रिकॉर्ड के लिए रख लेगा कि उसने जितना किसको ये अगर जो शीट का नंबर जो भी था जो जो लीफ नंबर था वो उसको बाद में पता चल सके कि इस बंदे ने साइन किया था, उसने जमा करवाया या नहीं करवाया, बाद में मैच करने के लिए वो यूज़ हो जाएगा। सबसेक्शन 6 है, हु एवर इज़ एक्यूज्ड ऑफ वायलेटिंग या वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द 12th स्केड्यूल, जो 12वां स्केड्यूल उसमें जो हिदायत दी गई उनको जो भी वायलेट करेगा बाई ए ऑफिसर इन यूनिफॉर्म और एनी पर्सन ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट, जो पुलिस ऑफिसर ने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी या जो गवर्नमेंट का जो दूसरा ऑथराइज पर्सन था उसकी उसने वायलेशन की थी, इन दिस बिहाफ मे विद इन 10 डेज, तो 10 दिनों के अंदर इफ़ ही डज नॉट वॉन्ट टू कंटेस्ट द चार्ज पे द प्रिस्क्राइब्ड फाइन, तो 10 दिनों के अंदर अगर वो उस के खिलाफ अपनी अपील नहीं करना चाहता तो वे जुर्माना अदा करेगा इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफाइड साइटेशन पेपर एंड ऑब्टेन द नेसेसरी रिसीट देयर ऑफ, और फिर वो जो उसके पास एक इनक्लोजर था या एक जो शीट थी लीफ था तो उसके मुताबिक वो जितना उस पर जुर्माना था वो जुर्माना पे कर देगा अगर उसको कोई रिजर्वेशन नहीं है तो। सबसेक्शन 7 है, वेयर एन अक्यूज पर्सन प्लेड्स गिल्टी एंड पेज द प्रिस्क्राइब्ड फाइन एंड हैज़ कम्प्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 6, जिस बंदे ने अक्यूज जो था उसने अपनी जो गिल्ट है उसने जो जुर्म किया था उसको वो प्लेड करता है यानी कि उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाता है, नो फर्दर एक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस शैल बी टेकन अगेंस्ट हिम, यानी कि वो प्लेड नहीं करता, अगर वो उसके खिलाफ अपील नहीं करता तो जमा करवा देता है फ़ाइन, तो बात ख़त्म हो जाती है। और अगर फर्ज किया वो प्लेड करता है इफ़ द फाइन इज़ नॉट पेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 6 में जो बात की गई थी उसने जुर्माना पे नहीं किया, द पुलिस ऑफिसर ड्राइंग अप द चार्ज शैल टेक रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस इन टू कस्टडी, तो इस मामले में वो रजिस्ट्रेशन उसकी वापस ले लेगा या जो उसका जो लाइसेंस है वो उससे वापस ले लिया जाएगा, इन टू कस्टडी एंड लॉज ए कंप्लेंट इन ऑफेंडर बिफोर द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द ऑफेंस, तो फिर जहाँ पे उसने जुर्म किया था उस जगह जो कोर्ट है उसमें वो केस करेगा और वो उससे रिकवरी करवाएंगे जुर्माना वगैरह जितना उसका बनता था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।